हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे आज मेरे पास पेट्रॉन की तरफ से आने वाला पेट्रॉन प्राइड एवो, जो कि दोस्तों अमेजोन पे मैंने 249 रुपीज़ में बाय किया है। एंड हाँ, ये आपको ऑफर्स में अंदर 200 भी देखने को मिल जाती है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ इसका अनबॉक्सिंग, एंड साथ ही बात करूँगा कि अंदर 200 या अंदर 300 ये वर्थ है या फिर नहीं, क्या मैं गेमिंग के लिए इसके तरफ जा सकता हूँ क्या नहीं, इसी सब सवाल का मैं जवाब देने वाला हूँ इस वीडियो में। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में आप एंड तक जरूर से जरूर बने रहना। तो चले करते हैं वीडियो को फटाक से स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ए सेकेंड। दोस्तों, कुछ इस तरह का एयरफोन का पैकेजिंग हमें देखने को मिलता है, जहाँ कि आपको साइड में पेट्रॉन की ब्रांडिंग एंड प्राइड इवो लिखा आ रहा है, एंड पीछे के साइड में आपको फिर से पेट्रॉन की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, एंड यहाँ पर कुछ हाईलाइट्स वगैरह देखने को मिल रही है। जहाँ पर दोस्तों इसमें आपको 10 mm का ड्राइवर देखने को मिले, एंड इसी तरह के कुछ और हाइलाइट्स वगैरह देखने को मिल रही है। तो चलिए अब कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग फटाक से। खोलते ही दोस्तों कुछ इस तरह के पैकेजिंग हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे कि सबसे पहले यहाँ पे हमारा एयरफोन देखने को मिल रही है, एंड बॉक्स में हमें एक और एयर टिप्स वगैरह देखने को मिल रही है। तो चलिए करते हैं सबको अब साइड, एंड डायरेक्ट हम बात कर लेते हैं अपने एयरफोन के बारे में। ये जो एयरफोन है दोस्तों, हमें कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मेरे पास अभी ब्लू कलर में यहाँ पे ये अवेलेबल है। सबसे पहले अगर हम बात कर ले इस ईयरफोन की वायर क्वालिटी की, तो यहाँ पे आपको दोस्तों रबराइज्ड केबल देखने को मिलती है, जो कि आपको ट्रायंगल फ्री है। तो दोस्तों, अगर ये आपका मुड़ भी जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये जल्दी टूटेगा नहीं, तो ये दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात है। इस एयरफोन में दोस्तों हमें यहाँ पे कुछ बटन कंट्रोल्स वगैरह देखने को मिलती है सामने के साइड में, एंड पीछे के साइड में यहाँ पे हमें पेट्रॉन की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। सामने अगर बात करें तो यहाँ हमें वॉल्यूम रॉकर्स बटन देखने को मिलती है, ये कुछ हमें स्लाइड वगैरह जैसा देखने को मिल जाती है, जिससे अगर आप स्लाइड इसे अप करते हो तो वॉल्यूम अप हो जाएगी, एंड अगर आप डाउन करते हो तो वॉल्यूम डाउन हो जाएगी। एंड जस्ट ऊपर के साइड में यहाँ पे हमें कॉल रिसीव एंड कॉल कट बटन देखने को मिल जाती है। यहाँ पे दोस्तों, जो इस एयरफोन में आपको 3.5 mm की ऑक्स देखने को मिले, वह दोस्तों आपको मेटेलिक बॉडी के साथ देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको पेट्रॉन की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। इस एयरफोन की जो बड्स है वो दोस्तों यहाँ पे आपको मेटेलिक बॉडी के साथ देखने को मिल जाती है। ओवरऑल बात करें इसकी लुक की, तो यहाँ पर आपको ये ठीक ठाक यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाती है। एंड हाँ दोस्तों, एक बात और, अगर आप इस एयरफोन के साथ लॉन्ग टाइम गेमिंग करते हो या लॉन्ग टाइम म्यूज़िक सुनते हो, तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बिकॉज दोस्तों इसकी जो बड्स है वो बहुत ही अच्छे से बहुत ही कंफर्टेबल एडजस्ट हो जाती है आपके ईयर में। दोस्तों, तो अब आप लोगों ने तो इसकी अनबॉक्सिंग देख ली है, एंड यहाँ पे ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन वगैरह आप लोगों ने जान ली, देन अब बारी आती है कि क्या ये बर्थ है अंदर 200 अंदर 300। तो मेरी ओपिनियन से बोलूँ कि अगर आप गेमिंग करते हो यहाँ पे, तो आप इसके तरफ जा सकते हो, बिकॉज दोस्तों मैं पिछले 2 दिन से इस एयरफोन को यूज कर रहा हूँ। एंड हाँ दोस्तों, यहाँ पे मुझे अच्छी यहाँ पे साउंड क्लियरेंस देखने को मिली, एंड अच्छी यहाँ पे आपको क्लियरिटी भी देखने को मिलेगी। एंड अब बात कर ले म्यूज़िक के लिए, तो हाँ, अगर आप दोस्तों आपको म्यूज़िक में बेस पसंद है, तो एंड ऑफकोर्स आप आँख मुन के इसके तरफ जा सकते हो, बिकॉज दोस्तों इससे अच्छी डील, इससे अच्छी ऑफर आपको यहाँ पे आप देखने को नहीं मिलेगी अंडर 200 अंडर 300, तो आप इसके तरफ जा सकते हो मेरी ओपिनियन से। सो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, बिकॉज दोस्तों आपके एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, एंड इस मोटिवेशन के साथ हम लोग और भी अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए। सो दोस्तों, तब तक के लिए जी हाँ, इसी तरह के वीडियो के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम।